नमस्कार, BCN न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। मुंबई में आज से 12 घंटे चलेगी शूटिंग, बिना वैक्सीन शूटिंग नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 235 अंकों की उछाल के साथ खुला। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 8 लाख से हुई कम, बीते 24 घंटे में 62,480 नए मामले आए सामने। पूरी दुनिया में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या पहुंची 40 लाख के पार। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर नहीं लग रहा लगाम, आज फिर बढ़े दाम। देश में अभी तक लगभग 26 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन, बीते 24 घंटे में लगभग 34 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। 24 हफ्ते में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, पहले से दोगुना होंगे मामले, महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,830 नए मामले आए सामने, 236 मरीजों की हुई मौत। गुरुवार को शहर में सामने आए कोरोना के 74 नए मामले, 2 लोगों ने गवाई कोरोना के चलते जान। शहर में कलेक्टर ने दी चेतावनी, कहा स्टैंप पेपर ब्लैक में बेचा तो होगी कड़ी कार्रवाई। BCN न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।